2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। देखिए, विपक्ष को ये अधिकार है, लेकिन इस समय को मालूम है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। इसके पहले 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, बुरी तरह से गिरा और बीजेपी 288 से 303 पर पहुंच गई। तो लाएं तो अच्छा, उस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा। और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा, सारे विषयों पर होगी और हर विषय का हम जवाब देने के लिए तैयार है। अब तो स्पीकर का काम है कि कब तिथि निर्धारित करते हैं और सबों को मालूम है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है।